अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फायरबेस स्टोरेज के अंदर इमेजेस जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं, और ये बिल्कुल कंप्लीट गाइड के साथ आपको वीडियो मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपको किसी और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्टीमेट गाइड होगी इसके लिए। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारे फेसबुक पेज को लाजमी लाइक करें, यहाँ पर आपको डिटेल वगैरह हमारे बारे में मिलती रहती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है अपना टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डेमो प्रोजेक्ट के नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और ये अभी मैंने कुछ देर पहले क्रिएट किया है। एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सिर्फ तीन डिपेंडेंसीज जो है यहाँ पर ऐड करनी है, सॉरी चार डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास डिपेंडेंसी है वो है परमिशन हैंडलर की, ठीक है। आपने इंस्टॉलिंग में जाना है और यहाँ पर आके आपने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर हम इसको जो है वो अपने कॉपरटिनो आइकन के नीचे जो है यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। ये ऐड कर दी, देन फायरबेस स्टोरेज को हमें चाहिए, इंस्टॉलिंग में जाएंगे और यहाँ से जाके हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम अपने इमेज मेकर में जाएंगे, इंस्टॉलिंग में जाएंगे एंड यहाँ पर हम आके इसको कॉपी करेंगे और आके इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ फायरबेस कोर के अंदर जाएंगे, इंस्टॉलिंग में जाएंगे और यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर गाइस हमारी सारी डिपेंडेंसी जो हमें रिक्वायर्ड थी अपनी इमेज सिस्टम बनाने के लिए वो हमने ऐड कर ली हैं। अब यहाँ से हम जो है पब गेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक ये गेट होता है, ये सारी डिपेंडेंसी ये गेट करेगा, हम आगे का प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम परमिशन हैंडलर के में आएंगे और यहाँ पर रीडमी की आपको गाइड मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एंड्रॉयड वाला अगर आप एंड्रॉयड के हो तो एंड्रॉयड में फॉलो करो। तो यहाँ पर आपको ना अपनी ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये दो फाइल्स जो हैं, ये जो मतलब के जो लाइब्रेरीज हैं आपको ऐड करनी होंगी। यहाँ पर हम एंड्रॉयड में जाएंगे और ग्रेडल डॉट बिल्ड के अंदर जाके हमें ये ऐड करनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ एंड्रॉयड एक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सिर्फ हमें ये इनेबल जेटीफायर जो है हमें ऐड करना होगा, ठीक है। सो हम इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड उसके बाद जो है हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें अपना फायरबेस पार्ट की तरफ आना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने अपना फायरबेस ओपन करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है फायरबेस का। देन यहाँ से हम होम के अंदर आएंगे और यहाँ पर ऑलरेडी मैं एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ, तो उसी के अंदर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ऐड ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप एंड्रॉयड में हैं तो एंड्रॉयड को फॉलो करें, अगर आप आईओएस के हैं तो आईओएस को। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड में हूँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी ऐप का प्रोजेक्ट नेम, ऐप नेम और यहाँ पर ये डिबगिंग की जो है वो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर ही हमारा काम चल जाएगा। अब यहाँ पर हमें एप्लीकेशन का पैकेज नेम चाहिए, हम एंड्रॉयड में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऐप में जाएंगे, सोर्स मेन एंड यहाँ पर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में हमारी पैकेज नेम जो है पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड अपनी ऐप का नेम लिख देंगे डेमो ऐप। अगर आप ना भी ऐड करेंगे कोई मसला नहीं है। फिर हम रजिस्टर्ड ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर जो है हमें एक जेसन फाइल जो है वो डाउनलोड करनी होगी, ठीक है। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से और इसको डाउनलोड करके हम यहाँ पर इसको अपने ऐप वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम अपने इस ऐप के फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। और मेक श्योर कि आप ये सिर्फ गूगल सर्विसेज हो, आगे ये जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं आप इसको रिमूव कर दें। और हम यहाँ से ओके करके इसको डन कर दिया, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से हमें कुछ और काम भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर जाना है और आपको ये गूगल सर्विसेज की जो है वो आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप का फोल्डर क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमें बिल्ड डॉट ग्रेडल, ये जो हमारा मेन एंड्रॉयड है इसके फोल्डर के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल, यहाँ पर हमें इसको ऐड करना होगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पर लास्ट में ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया एंड उसके बाद अब हमें यहाँ पर और कुछ नहीं ऐड करना, और अब हमें जाना है अपने सेकंड ग्रेडल के अंदर और यहाँ पर आके हमें गूगल सर्विसेज की प्लगइन को ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको अपने एंड्रॉयड के फोल्डर में आना है, यहाँ पर आपको ऐप में जाना है और उसके बाद बिल्ड और ग्रेडल वाला, ये सेकेंड वाला बिल्ड और ग्रेडल है, इसके अंदर आना है एंड यहाँ पर आके आपको ये प्लगइन जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। हम यहाँ पर ये प्लगइन जो है उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने प्लगइन पेस्ट कर दी, जाने उसके बाद हमें यहाँ पर
ये फायरबेस बूम को भी ऐड करना है, और इसको हम डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड कर देंगे। नीचे आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना, ठीक है, एंड यहाँ पर हमें डिपेंडेंसीज के अंदर इसको जो है वो ऐड कर देना, ठीक है। हमने इसको ऐड कर दिया, और हम यहाँ पर अगर आप फायरबेस एनालिटिक्स यूज़ करते हैं तो आप उसको ऐड कर दें, अगर आप नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। फिलहाल मैं इसको ऐड करूँगा, एंड यहाँ पर हमने इसको डन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एंड कंटिन्यू टू कंसोल, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम यहाँ से अपने फायरबेस के अंदर आएंगे और इसको यहाँ पे हम स्टोरेज के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर आपने आके क्या करना है कि आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको वो परमिशंस पूछेगा, आपने उसको टेस्ट के ऊपर कर देना, नहीं तो आपने रूल्स के अंदर आना है, और रूल्स के अंदर आके अपनी अपनी परमिशंस जो हैं वो कुछ इस तरह सेटअप कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड रहेगा, आपने उसको रिमूव कर देना है, और फिलहाल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपने रीड एंड राइट जो है वो आपने अलाउ कर देना है। एंड अब हम फिर से फाइल्स के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम अपना मेन काम जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने अपना सब कुछ जो है वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको अपने प्रोजेक्ट को एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं, अगर ये रन हो गई सक्सेसफुली तो इसका मतलब है कि हमारा फायरबेस भी कन्फिगर हो चुका है और हम अब रेडी हैं अपनी ऐप को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे, इसको एक बार ज़रा सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर अब इसको रन करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रेस करके स्टार्ट डिबगिंग कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ वेट करते हैं जब तक ये स्टार्ट होती है, हमें पता चल जाएगा हमारा ऐप में कोई मसला है। हमारा यहाँ पे ऐप सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, इसका मतलब है कि हमने एप्लीकेशन को कन्फिगर कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, और इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपने थोड़ी सी डिज़ाइन करना है। हम डिज़ाइन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी इमेज को अपलोड करेंगे, और इमेज अपलोड करने के बाद चेक करेंगे कि इमेज अपलोड हुई है या नहीं। देन जब इमेज अपलोड हो जाएगी तो उस इमेज का हम यूआरएल भी गेट करेंगे, और गेट करने के बाद हम उस इमेज को यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल हम एक बिल्कुल ही सिंपल सा डिज़ाइन रखेंगे, और इसको कर देंगे सेफ एरिया, ठीक है, एंड सेफ एरिया। और उसके बाद चाइल्ड के अंदर हम कंटेनर ऐड कर देंगे, एंड कंटेनर, और यहाँ पर हम इसको हाइट एंड विड्थ जो है वो मैक्स कर देंगे, ठीक है। तो इससे ये जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी ये ऑक्यूपाई कर लेगा। एंड यहाँ पर हम कॉलम यूज़ करेंगे ताकि हम यहाँ पर लास्ट में कुछ मल्टीपल विजेट्स जो है वो शो करवा सकें। तो यहाँ पर हमने ये ऐड कर दिया, एंड यहाँ पर हम एक बटन ऐड कर देंगे। बटन ऐड करने के लिए हम एक मटेरियल बटन, ठीक है, मटेरियल बटन ऐड करेंगे। यहाँ पर चाइल्ड के अंदर हम टेक्स्ट लिख देंगे, और यहाँ पर आएगा अपलोड इमेज, ठीक है, अपलोड इमेज यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि हमें यहाँ पर ऑन प्लस मेथड जो है वो भी ऐड करना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक एम्प्टी मेथड यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, एंड इसको इस बटन को थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर तो यहाँ पर अब हम जब इसको प्रेस करेंगे तो हमारी इमेज जो है वो अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी इमेज को अपलोड करने का एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे नीचे सबसे, और यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे फ्यूचर, एंड इसको कर देंगे वॉइड, ठीक है। अगर आप इसको ना ही भी लिखते हो आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे अपलोड अपलोड इमेज, ठीक है, एंड यहाँ पर हम इसको एसिंक्रोनस रखेंगे, एंड सो नाउ वी आर गुड टू गो। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फाइनल का वेरिएबल बनाएंगे, और इसके अंदर हम रख देंगे फायरबेस स्टोरेज, ठीक है। हमें फायरबेस स्टोरेज का इंस्टेंस यहाँ से लेना होगा, एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, फायरबेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस, ठीक है, ये हमें इसका इंस्टेंस मिल गया। अब ये हमारे फायरबेस का होगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक इमेज भी अपलोड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फाइनल बनाएंगे और इसका रख देंगे इमेज, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करवा देंगे इमेज पिकर के साथ, ठीक है। ये रहा हमारा इमेज पिकर का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया इमेज पिकर का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर परमिशंस को यूज़ करना है, ठीक है। हम इसके अंदर अवेट का कीवर्ड यूज़ कर, और हम क्या करेंगे, परमिशन हैंडलर को यूज़ करेंगे जो हमने ऐड किया था, ठीक है, परमिशन। और यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, देन यहाँ पर हम फोटोज़ हमें अपलोड करनी है तो हम यहाँ पर फोटोज़ लिखेंगे और और आगे कर देंगे रिक्वेस्ट परमिशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़र की परमिशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर साथ साथ मेंशन भी करता जा रहा हूँ। बाद यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, और इस वेरिएबल का जो नाम होगा वो होगा पिक्ड इमेज, ठीक है, इसका नाम होगा पिक्ड फाइल, सॉरी। और यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड करवा देंगे इमेज के साथ, ठीक है, एंड हमने इसको इमेज के साथ जो है वो
पिक्ड इमेज, इसका नाम रख देंगे पिक्ड फाइल। ठीक है चलिए पिक्ड फाइल नाम कर देते हैं इसका। एंड अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यूज़र ने परमिशन हमें इमेजेस अपलोड करने की दी है या नहीं। हम यहाँ पर एक वार वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर रख देंगे परमिशन स्टेटस। ठीक है परमिशन स्टेटस, एंड इसको अवेट करेंगे, हम चेक करेंगे कि यूज़र ने परमिशन हमें प्रोवाइड की है या नहीं। और यहाँ पर हम उसके लिए क्या करेंगे परमिशन, ठीक है परमिशन उसको एक्सटेंड करवा देंगे फ़ोटोज़ के साथ। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे स्टेटस, हमें यहाँ पर स्टेटस चेक करना है। ठीक है तो यहाँ पर हम स्टेटस चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम इफ़ एल्स की कंडीशन लगाएंगे, हम डायरेक्ट भी इस इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ कर सकते थे लेकिन अब यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। और यहाँ पर करेंगे हम परमिशन स्टेटस डॉट इज़ ग्रांटेड, कि अगर उसने परमिशन प्रोवाइड कर दी है तो क्या होगा, अगर परमिशन उसने नहीं दी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे। एंड यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब उसने हमें परमिशन दे दी कि आप इमेज पिक करो, ठीक है तो उसके बाद हम क्या करेंगे। अभी यहाँ पर एक बार ट्राई भी करके देख लेते हैं, हम क्या करेंगे इस अपलोड मेथड को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर अपने बटन के ऑन प्रेस मेथड के आगे जो है इसको लगा देंगे। राइट यहाँ पर इसका नाम होगा अपलोड इमेज, एंड ये अपलोड इमेज के अंदर आ गया। यहाँ पर मैं अपलोड इमेज के ऊपर जब क्लिक करूँगा ना तो अभी हमारे पास फ़िलहाल एक एरर आ रहा है कि हमने अपने इस फायर बेस को इनिशियलाइज नहीं करवाया। तो इट्स माय बैड, मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया अपना फायर बेस, क्योंकि हम यहाँ पर फायर बेस स्टोरेज का इंस्टेंस ले रहे हैं, इस वजह से हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि फायर बेस हमारा इनिशियलाइज नहीं है। उसको इनिशियलाइज करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपनी इस बॉडी को एसिंक्रोनस रखना होगा। ठीक है एसिंक्रोनस रखेंगे, देन यहाँ पर क्या करेंगे विजेट विजेट फ्लटर बाइंडिंग, ठीक है विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट, यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक सेटअप इंश्योर इनिशियलाइजेशन, या यहाँ पर हम क्या करेंगे अवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पर करेंगे फायरबेस डॉट इनिशियलाइज। हम यहाँ पर फायरबेस की जो है वो क्लास इंपोर्ट करनी होगी, एंड यहाँ पर हम रन मेथड को थोड़ा नीचे कर देंगे और यहाँ पर एक हमें इनिशियलाइज ऐप का ऑप्शन मिल जाता है। राइट तो अब हम इसको ज़रा एक बार रीस्टार्ट करते हैं और रीस्टार्ट करने के बाद चेक करते हैं अब हमारे पास जो है वो क्या स्टेटस आता है। ठीक है एंड अब हमारी ऐप ऑलमोस्ट रीस्टार्ट हो चुकी है। एंड अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी इमेज को गेट करेंगे। ठीक है इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस पिक्ड फाइल को हम यूज़ करेंगे। पिक्ड फाइल इज़ इक्वल टू इसको कर देंगे इमेज डॉट गेट इमेज, और यहाँ पर हमें सोर्स बताना होगा कि हमें इमेज जो है वो कहाँ से लेनी है। ठीक है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्यों, ये हमारे पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक फ्यूचर मेथड है और हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर मतलब कि ऐड करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पर जैसे एक अवेट का कीवर्ड ऐड करेंगे हमारा एरर चला जाएगा। अब ये वाला जो है हमने इसको यहाँ से चेक किया है। ठीक है हम इसको यहाँ पर कह रहे हैं कि अब इमेज चेक करो। ठीक है तो अब इसको यहाँ पर एक पाथ चाहिए, हमें इसको पाथ जो है वो प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पर इमेज पाथ के अंदर हमें पास करना होगा कि ये इमेज जो है वो कहाँ से गेट करें, गैलरी से या कैमरा से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे इमेज सोर्स डॉट गैलरी, हमें ये गैलरी से इमेज पिक करवानी है तो ये गैलरी से इमेज को गेट करेगा। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर चेक करना है कि उसने इमेज वाकई में कुछ पिक भी किया या नहीं। तो यहाँ पर हम एक इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पिक्ड फाइल, अगर ये इज इक्वल टू नल है, अगर ये नल नहीं है तो क्या होगा, अगर ये नल है तब क्या होगा। ठीक है यहाँ पर हम कर देंगे प्रिंट करवा लेंगे अगर उसने कुछ भी पिक नहीं किया तो नो इमेज सेलेक्टेड। ठीक है और यहाँ पर हम क्या कर देंगे ये हमारा ये हम प्रिंट करवाएंगे। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बार हम इसको प्रेस करके देखते हैं और अब हमारे पास जो है ये परमिशन मांग रहा है। अब मैं अगर परमिशन को रिजेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमें एरर आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसको एरर रिसेप्शन हैंडलर को जो है कंट्रोल नहीं करा, इसको हम बाद में करेंगे। एंड अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे वार, उसका नाम रखेंगे फाइल, एंड इसको कर देंगे फाइल, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे अपनी पिक्ड फाइल को। ठीक है पिक्ड फाइल डॉट पाथ, ठीक है और यहाँ पर हम अपने इस फाइल के ऊपर हॉवर करेंगे। एंड यहाँ पर मेक श्योर आप डॉट एच टी एम एल को नहीं करोगे, आप डॉट डॉट आई ओ को करोगे। ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास पाथ आ चुका है, मैं यहाँ पर इस इमेज का पाथ जो है वो प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ एक बार। एंड यहाँ पर क्या करेंगे फाइल, ठीक है फाइल को यहाँ पर पास करेंगे। अब आप देखना कि हमारे पास जो पाथ है वो काफ़ी अजीब सा आएगा,
अब मैं यहाँ पर जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको अलाउ कर दूँगा तो ये गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड में मैंने कुछ दो इमेजेस अपलोड करी हैं, एक इसमें से इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये पाथ आ रहा है, अगर आपने नोट किया हो तो ये मेरे पास पाथ आ रहा है। अब ये पाथ जो है ये काफ़ी अजीब है, इसके अंदर काफ़ी लंबा जो है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे पास ये तस्वीर की जो है वो एक इमेज ही आए, ठीक है। इमेज सिर्फ एक इमेज का नाम आए, ये साथ में जो फोल्डर्स हैं डायरेक्टरीज हमें ये नहीं चाहिए। तो इसको कट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है, हमें यहाँ पर नाम रखना होगा, ठीक है। हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग के अंदर रख देंगे फाइल नेम, ठीक है, एंड उसको हम आगे यहाँ से हम अपनी सिर्फ ये एक जो फाइल है इसका नाम गेट करना है हमें, ना कि हमें ये पूरा का पूरा फोल्डर जो है स्ट्रक्चर गेट नहीं करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर बनाया था फाइल, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे फाइल डॉट, आगे हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है URI का, एंड देन आगे यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है और वो होता है हमारे पास पाथ का, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाथ के ऊपर जाएंगे एंड पाथ के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का, ठीक है। हम स्प्लिट के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें ये फॉरवर्ड एरो जो है सॉरी फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करनी है यहाँ पे। यहाँ पर हम डायरेक्ट लास्ट ऐड कर सकते हैं और हमारे पास पूरा का पूरा फाइल का नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम प्रिंट करवाते हैं अपने इस फाइल नेम को एंड चेक करते हैं इस फाइल नेम को, ठीक है, फाइल नेम, एंड आगे हम इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर फिर से चेक करते हैं अपने अपलोड इमेज को, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा पहले वाला फाइल आ रहा है एंड देन उसके बाद हमें हमारे पास फाइल का नाम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हम गुड टू गो है, हम इसको जो है वो प्रिंट अपने वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फाइल का पाथ एंड फाइल को। अब मैं ये प्रिंट मेथड यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे हम अपना इमेज अपलोड करने का सिस्टम जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक अवेट का कीवर्ड ऐड करना है और यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने फायरबेस स्टोरेज के इंस्टेंस को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा रेफर, ठीक है, इसका मतलब होता है रेफरेंस। और यहाँ पर हमें अपना पास जो है वो बताना पड़ता है कि आपको कहाँ पे, अगर आप नहीं भी बताते कोई मसला नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आगे चले जाएंगे और इसके अंदर चाइल्ड के साथ जाएंगे, ठीक है। हम चाइल्ड के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे, लिख देंगे यहाँ अपना डेमो, ठीक है। डेमो के आगे हम यहाँ पर स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर हम डॉलर लगा के यहाँ पर फाइल नेम को ऐड कर देंगे, ठीक है। फाइल नेम को ऐड करके देन उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन करेंगे अपलोड, ठीक है, पुट फाइल, सॉरी, हम यहाँ पर पुट फाइल को यूज़ करना है, हमें यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हमारे फाइल का जो है वो वेरिएबल आएगा, ठीक है, जो हमने वहाँ पे ऐड किया था, और उसके बाद आ जाएगा डॉट डन। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर भी हम एक चीज़ करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, वार इसको कर देंगे इज इक्वल टू फाइल पाथ, ठीक है, फाइल पाथ इसका नाम कर देंगे। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने डन वाले फंक्शन के अंदर वैल्यू असाइन करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे वैल्यू, ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, राइट। इसका एक और तरीका भी, आप अगर ये नहीं करना चाहते तो और भी तरीका है हमारे पास। अब हम यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे और इमेज जब अपलोड हो जाएगी तो हम यहाँ पर प्रिंट भी करेंगे, ठीक है, उसका पाथ मतलब इमेज का जो लिंक है ना वो भी हम यहाँ पर अपने कंसोल के अंदर प्रिंट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है, हमें एक पास ही आई तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग, एंड इसके लिए क्या होगा, डाउनलोड URL, ठीक है, इमेज को डाउनलोड करने का URL, डाउनलोड URL को क्या कर देंगे, फाइल पाथ जो हमने यहाँ पर अभी बनाया है, फाइल पाथ डॉट, यहाँ पर आगे हमारे पास आ जाएगा रेफ डॉट गेट डाउनलोड URL, ठीक है, एंड इसको हम कन्वर्ट कर देंगे डॉट टू स्ट्रिंग में, ठीक है, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। यहाँ ये हमारे पास जो है ये एक हमारे पास फ्यूचर है तो इसको हमें अवेट करवाना होगा, ठीक है। तो अभी इसके अवेट किए बगैर भी हमारा काम शायद चल रहा है, सो इसको अवेट के बगैर ही एक बार चेक करके देखते हैं एंड यहाँ पर प्रिंट करते हैं, ठीक है, अपना फाइल पाथ जो है उसको प्रिंट करते हैं डाउनलोड URL, एंड आगे अब हम प्रोसेस करके देखते हैं हमारी इमेज जो है वो अपलोड होती है या नहीं होती। अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, इस इमेज के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी इमेज जो है वो अपलोड हुई है या नहीं,
और अगर हमारे पास कोई एरर आएगा तो अब भी हमें पता चल जाएगा। अभी हमारी इमेज अपलोड हो रही है और अभी यहाँ पर हमारा पास जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से कोई एरर आया। अभी चेक कर लेते हैं हमारे फायर यहाँ पर फाइबर स्टोरेज के अंदर, इसको ज़रा एक रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और हमें आइडिया हो जाएगा कि इसने के अंदर कोई इमेज अपलोड हुई है कि नहीं। एक इमेज तो अपलोड हुई है डेमो, और डेमो के बाद यहाँ पर फाइल के नाम के साथ जो है हमारे पास जो है हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारा जहाँ पर जो है वो फाइल पाथ प्रिंट नहीं हुआ, वो फाइल पाथ प्रिंट क्यों नहीं हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ अब, क्योंकि यहाँ पर हम डाउनलोड यूआरएल को टू स्ट्रिंग कर रहे हैं। अब हमें टू स्ट्रिंग नहीं करना, यहाँ पर हम सिंपल अवेट करवाएंगे, ठीक है, अवेट का कीवर्ड ऐड कर देंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एंड यहाँ पर हम इसको अपलोड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फाइल का यूआरएल भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये हमारा फाइल पाथ डाउनलोड कंप्लीट होगा, हमारे पास ये एक यूआरएल आ चुका है, ठीक है, ये देखिए हमारे पास इमेज का यूआरएल आ चुका है। अगर हम इस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट करके देखें तो ये यूआरएल जो है काम कर रहा है, तो अब हमारे पास जो है वो इमेज अपलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे, इस इमेज को जब अपलोड हो जाए तो हमें यहाँ पर शो करना है अपने इस ऐप के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम इसको कॉलम के अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, और वेरिएबल जो होगा वो हमारा स्ट्रिंग में होगा, फाइल यूआरएल, ठीक है, इसका नाम रख देंगे, और अभी इसको बाय डिफॉल्ट जो है हम नल रखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसको यहाँ पर अपनी थोड़ी साइज दे देते हैं, यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर उसके अंदर कोई यूआरएल मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो आगे जो है हम इसको प्रोसेस करेंगे, फाइल यूआरएल, ठीक है, यूआरएल आगे अगर ये इज इक्वल टू नल है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी शो नहीं करेंगे, एक सिंपल साइज बॉक्स शो कर देंगे जिसकी ना तो कोई हाइट होगी ना विड्थ, और अगर यहाँ पर इमेज के अंदर कोई यूआरएल मौजूद है हमारे सॉरी वेरिएबल के अंदर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज डॉट नेटवर्क, ठीक है, और नेटवर्क के सोर्स के अंदर हम अपना ये जो है फाइल यूआरएल पास कर देंगे, ठीक है। एंड नाउ वी आर गुड टू गो, यहाँ पर हमें सिंपल अब क्या करना है कि जब इमेज अपलोड हो जाए तो हमें इसके यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देना और इसको सेट स्टेट कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल यूआरएल इज इक्वल टू डाउनलोड यूआरएल, ठीक है, डाउनलोड यूआरएल, एंड उसके बाद हम सेट स्टेट को जो है वो कॉल करेंगे, ठीक है, एंड चेक करते हैं अब हमारा ये सिस्टम जो है वो काम करता है या नहीं। लेकिन उससे पहले हमें अपने इमेज और हाइट को थोड़ी सी जो है वो विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड कर देते हैं। विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, डबल डॉट साइज, डबल डॉट सॉरी इन्फिनिटी, एंड अब हम अपलोड इमेज करके चेक करते हैं, और इसको थोड़ी सी हाइट भी जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, हाइट कर देंगे ऑलमोस्ट कोई 200 की, एंड अब ट्राई करते हैं इमेज अपलोड, एंड यहाँ पर अब हम इमेज अपलोड करते हैं और चेक करते हैं हमारी यहाँ पर इमेज जो है वो डिस्प्ले होती है या नहीं। सो लेट्स सी, सो यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो शो हो रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसका सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर बताई थी कि ये क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फाइल का पाथ गेट करने के लिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।